आना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केकशान, सो हैप्पी। इतने दिनों के बाद आप मुझे वेलकम बैक करने के लिए आए ना, आई एम सो टच्ड। मैं बहुत खुश हूँ। वो हम तो कोई खुशी से नहीं आए दिलारा, मजबूरी में आए आपके पास। आपको हमना ने बताया होगा ना कि हम पर क्या गुजरी है। मेरी तो एक्चुअली हमना से बात ही नहीं हुई। और ये लगेज, आप लोग वेकेशन पे जा रहे हैं? लेट मी गेस, मालदीव्स? नहीं नहीं, आपका तो यूरोप का प्लान था ना। यूरोप जा रहे हैं? तो लाइबा आपके साथ क्यों है? लाइबा की तो शादी हो रही थी वो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। कैंसल हो गई। मुझे यकीन है कहकशां वो आपके खानदानी मयार पे पूरे नहीं उतरे होंगे। बात मयार की नहीं है दिलारा, नसीब में नहीं था, जो किस्मत में था वही हुआ। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था एक्चुअली। तो अभी कनाडा से वापस आई हूँ और तो जेट लैग ही नहीं खत्म हुआ। वो मेरा ख्याल था कि हमना ने आपको बता दिया होगा। हम चंद दिनों के लिए रहने के लिए आए हैं आपके पास। यहाँ मेरे घर पे? हाँ ऑफ कोर्स, 3-4 दिन का क्या मसला है। Of course you can. रोजी, समधन जी को लेकर जाओ गेस्ट रूम में। थैंक यू दिलारा, आप इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे रही हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। समधन जी, कोई थैंक यू की जरूरत नहीं। 3-4 दिन की तो वो तौलिया शौली भी देख लेना, अब वो लगेज भी ले जाओ, शाम को मिलेंगे। ले ले सामान। का गेस्ट रूम ना छोटा सा, मेरी वॉकिंग क्लोज़ेट इससे ज़्यादा बड़ी। नहीं भाई, ये इनका घर है, हमारा नहीं। जितनी जगह मिली है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। मैं अपने दिलारा आंटी का अंदाज चेक किया था, किस तरीके से हमसे बात कर रही थी। जब वो हमारे घर आया करती थी कितनी खातिर में दारत करती थी उनकी, तब कितनी मीठी मम्मी थी हमारे साथ। हम क्राइसिस में क्या आ गए, हमें तो पहचानने से इनकार कर दिया। जो कुछ हमना ने हमारे साथ किया है उसके बाद तुम दिलारा से क्या उम्मीद रखती हो? जो कुछ आपने हरीन भाभी के साथ किया था उसके बाद तो हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मम्मी प्लीज, आप रायान भाई को कॉल करें,
उन्हें कहें कि हमें अपने पास बुला। मैं ज्यादा दिन तक इस रूम में नहीं रह सकती, मेरा दम घुट जाएगा मम्मी, प्लीज। जो कुछ आपने हरीम भाभी के साथ किया था उसके बाद तो हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक फैसला किया है, कर दो इसे आजाद, दे दो इसे तलाक। ये लड़की इस काबिल नहीं है कि तुम्हारा नाम इसके नाम के साथ जोड़ा जाए। फाइज ने हरीम को तलाक दे दी? नहीं, ये कांटा निकालना जरा मुश्किल हो रहा है। जब तक निकल नहीं जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर बंदे की खिदमत हाजिर है, हुक्म कीजिए आप। अब क्या कर लोगे तुम? आप मुआवजा तय करें, हरीम को फाइज से तलाक लेके देना मेरा काम है। ठीक है, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। ठीक है, फिर तय हो गया, मिलता हूँ कुछ दिनों में, बस जरा ये जख्म ठीक हो जाए मेरा। सरीन, आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। आप कितनी समझदार हैं, कितनी नॉलेज है आपको अपने काम की। मुझे लगता है वो वक्त दूर नहीं है जब मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ। सर शर्मिंदा तो मत करें। नहीं, वाकई आपका जज्बा और लगन देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ। बिलीव मी, मेरे पास बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन जिस पैशन और ईमानदारी से आप काम करती हैं वो बहुत कम लोगों में होता है। Really? जिल्ले उमा, तुम यहाँ? हाँ, क्यों? उम्मीद नहीं थी क्या? वैसे आपस की बात है मुदस्सर हसन, इतनी तारीफ तो कभी तुमने मेरी भी नहीं की। तुम मर्दों को भी ना हमेशा पराई औरतों की खसूसियात नजर आती हैं। Excuse me, sir. मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाकी का काम अपने केबिन में कर लूंगी। तो अब तक आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि आप अपने केबिन और सीट पर नहीं हैं? मिसेस मुदस्सिर, मैं आपकी बात का जवाब देने की पाबंद नहीं। सर मुदस्सिर को असिस्ट करती हूँ। जिल्ले हुमा, तुम जानती हो तुम कर क्या रही हो? ये मेरा ऑफिस है, मेरे एम्प्लॉइज के सामने मेरा तमाशा मत बनाओ। ऑफिस? ये ऑफिस नहीं, तुम्हारी पनाहगाह है जहां तुम घर के मसलों से बचकर यहां बैठे रहते हो। हाँ, घर को तो तुमने जहन्नुम बना ही दिया। घर से जब मैं बाहर निकलता हूँ ना तो सड़क भी मुझे पनाहगाह लगती है।
इसकी वजह मैं नहीं, वो जहन्नुम की दरोगा है जो घर बैठी है। ज़िल्ले उमा। क्यों बुरा लगा? मैं क्या मुफ्त का माल हूं जो कहोगे चुपचाप सुनती रहूंगी? ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। क्या चाहती हो तुम? मैं फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा रही हूं, वीजा और टिकट चाहिए और कुछ रकम भी। कहां जाना चाहती हो तुम? प्लान कंफर्म होगा तो कॉल कर दूंगी। सुनो मुदस्सिर हसन, ये जो लड़की है ना, क्या नाम है इसका, हरीम, इससे जरा दूर रहना, कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती मुझे इससे। शादीशुदा है वो, शेख फैमिली की बहू है, इज्जतदार और शरीफ लड़की है। तुम अपनी नेगेटिविटी अपनी हद तक महदूद रखो तो बेहतर होगा। कर लो, कल नासिर की बारात है और परसों खैर से शगों की रुखसती। हाँ, ये दो दिन तो तुम्हें आना है बस। हाँ कह दिया मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, अल्लाह के हवाले। अच्छा नासिर आ जाना, बहन की रस्म करें, अंदर आ। सुना है चुड़ैल कहीं घूमने फिरने जा रही है। क्या हो गया अम्मी? वो जैसी भी है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, आपकी बहू है, ना किया करें ऐसी बातें। जब से हरीम की शादी का सुना है ना, मैं तो ठंडी पड़ गई। बहुत पसंद थी मुझे वो लड़की। फिर वही बात, क्या हो गया? मुदस्सिर, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए परेशान हूँ बेटा। जिल्ले हुमा तो मेरी अपनी नाजिल करदा बला थी। गिल्ट होता है मुझे जब मैं सोचती हूँ। हरीम में मुझे रोहा नजर आई थी। माँ, मुझे खिलौना समझना छोड़ दें। जब आप चाहें मुझे
रोहा से दूर करके जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दें। जब चाहे मुझे जिले उमा के साथ बांध दें, जब चाहे तहरीम हरीम यास्मीन किसी को भी मुझे पसंद करने के लिए मजबूर करें और चाहें कि मैं भी उसे पसंद करूं, एक बार आपकी चाहत और इजाजत के बगैर मैंने रोहा से मोहब्बत की, बहुत बड़ा जुर्म किया, गलती की, अब उस जुर्म की सजा भुगतने दें मुझे। मेरी जिंदगी में अब खुशी के लिए कोई जगह नहीं है। जानती हूँ बेटा, हम माएँ कभी कभी अपने ही जिगर गोशों से बड़ी ज्यादतियाँ कर जाते हैं। हमें डर होता है हमारी औलाद हमसे ज्यादा किसी और को ना चाह बैठे, लेकिन हम माएँ ये भूल जाती हैं, औलाद का गम अपने गम से ज्यादा बड़ा होता है। ये अनचाही जिंदगी गुजार कर तुम खुद को नहीं मुझे सजा दे रहे हो मुदस्सिर। तुम्हारे घर वाले इतना ही प्यार और मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुझे जाने ही नहीं देते। क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कितने खतरनाक आदमी हो तुम और किसी खास मकसद से आए हो। हाँ वैसे मकसद तो काफी खास है। आप ना मेरे चचा का पीछा छोड़ दें। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लगता है आज ईद का चांद दोपहर में निकल आया। ईद का चांद तो नहीं निकला, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें दिन में तारे नजर आने वाले। आप यहाँ क्या हुआ? आप मुझे देख के इस तरह चौंक क्यों गए? वो दरअसल इस तरह आप अभी तक आपकी बेल बिफोर अरेस्ट भी नहीं हुई ना, इस वजह से। जानता हूँ, होती भी कैसे, मेरे सारे अकाउंट सीज हो चुके हैं। चेक लेके बैंक मैनेजर के पास भी गया था, काफी मेहनतें की उसकी, लेकिन मदद नहीं की उसने। शायद वो कर ही नहीं सकता था, उसका भी क्या कसूर। क्या मुझे आपसे 2 लाख रुपए उधार मिल सकते हैं? मैं ये सारे मामला देखने के बाद आपको दे दूंगा। 2 लाख? फैजमी आप तो जानते हैं मेरा गुजारा नौकरी पे ही होता था। अब जब से कंपनी बंद हुई है तनख्वाह तो मिली ही नहीं, मैं तो खुद इधर उधर से मांग तांग के गुजारा कर रहा हूँ। आपने अपने दोस्तों पे इतना पैसा लुटाया, उन्हें अपने एहसानात याद दिलाएं, मुझे यकीन है कोई ना कोई दोस्त आपकी मदद जरूर कर देगा। इस दुनिया में जो सबसे पहले लोग भूलते हैं ना, वो एक दूसरे पे किए हुए एहसानात होते हैं। लेकिन आप परेशान नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा।
थैंक यू। आज इस मुश्किल वक्त में मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें जब जब मेरी जरूरत पड़ी है मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया और हमेशा तुम्हारे काम आया। आज मैं भी अपनी बहुत उम्मीदें बांध के तुम तक आया हूं। मुझे इनकार मत करना। फाइज, तुम्हें आने से पहले सोचना चाहिए यार। तुमने माजी में जो भी किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अभी तुम यहाँ पर आकर मेरे और मेरी फैमिली के लिए मुसीबत बन जाओगे, सो प्लीज यार समझा करो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें एहसास भी है? एहसास? एहसास तुम्हें होना चाहिए फाइज। तुम्हारे अब्बा जेल में, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे ऑफिस सब ऑक्शन पर लग चुके हैं, और इस टाइम पर कोई भी बेवकूफ ही होगा जो तुम्हें 1,000 रुपये भी देगा उधार। तो मेरी बात समझो भाई, 2,00,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। मेरे अब्बा को पता चला वो भी मुझे घर से निकाल देंगे, तो तुम प्लीज़ यार किसी और से जाके ट्राई करो। एहसन से मांगो, वो तुम्हें दे देगा, लेकिन सॉरी यार अभी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, माजरत। तुम्हारे अब्बा जेल में, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे ऑफिस सब ऑक्शन पर लग चुके हैं, और इस टाइम पर कोई भी बेवकूफ ही होगा जो तुम्हें 1,000 रुपये भी देगा उधार। तो मेरी बात समझो भाई, 2,00,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। मेरे अब्बा को पता चला वो भी मुझे घर से निकाल देंगे, तो तुम प्लीज़ यार किसी और से जाके ट्राई करो। एहसन से मांगो, वो तुम्हें दे देगा, लेकिन सॉरी यार अभी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, माजरत। Thank you.
फाइज मुझे तुम्हारा अकाउंट नंबर चाहिए। मेरे अकाउंट नंबर से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम क्यों पूछ रहे हो? यूं समझो कि सारे हिसाब चुकाने का टाइम आ गया है। तुम्हारी पाई पाई का हिसाब रखा है मैंने। वो रकम जो तुमने मुझे दोस्ती के नाम पर दी, मैं कर्ज समझ कर हिसाब रखता रहा, और अब तुम्हारी अमानत समझ कर तुम्हें लौटा रहा हूं। आज वाकई मुझे उस रकम की जरूरत है, लेकिन मेरे अकाउंट में मत भेजता। मैं कोई और अकाउंट नंबर भेजता। मुझे अब इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे अब सिर्फ तुम्हारा कर्जा चुकाना है। खलाल ने जो भी रुख इख्तियार किया हो, सच तो यही है कि मैं आज जिस मुकाम पर खड़ा हूँ वो सब तुम्हारी मेहरबानियों का कमाल है। हरीम के मामले में सारे गिरे शिकवे अपनी जगह, लेकिन आज तुम्हारा शुक्रिया अदा करना बनता है, तो शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। हालात ने जो भी रुख इख्तियार किया हो, सच तो यही है कि मैं आज जिस मुकाम पर खड़ा हूँ वो सब तुम्हारी मेहरबानियों का कमाल है। हरीम के मामले में सारे गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन आज तुम्हारा शुक्रिया अदा करना बनता है। रूफिया आंटी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। इस हफ्ते कुछ टेस्ट कराने, लेकिन अब बस मुझे आपका कर्जा चुकाने की फिक्र है। अमौन यार, ये सारी बातें मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछता हूँ कि तुम इन बातों के लिए परेशान रहो। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम अपनी अम्मी के इलाज के लिए परेशान करो। नहीं, पता है मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे जिंदगी में इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं और तुम जैसे दोस्त। तो नहीं कह सकता कि मैं खुश हूं, क्योंकि खुशी तो जैसे रूठ गई है हमारे घर से, लेकिन मैं मुतमईन हूं। मेरा दिल आज बहुत अरसे बाद पुरसुकून है, मेरी रूह को करार है। एक अरसे बाद सुकून से सो पाऊंगा मैं। अरे मैंने पूरी रकम लौटा दी है, एक एक पाई। हाँ, लेकिन एहसान, वो रकम से ऊपर का एहसास होता है, वो शायद कभी ना चुका पाऊं। भाई, हम इंसानों की क्या मजाल है कि हम किसी के कर्ज या एहसान चुका पाए। लेकिन किस्मत बहुत ताकतवर होती है। किस्मत में हुआ तो हम उनके बाकी के हिसाब भी चुका देंगे इंशाल्लाह। मुझे अपने अल्लाह की रहमत पे और अपनी दुआओं पे पूरा भरोसा है। मैंने रिस्क हलाल से परवरिश किया है तुम दोनों को, इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा जब तुम अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां और तमाम मुरादें पाओगे इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं नमाज पढ़ता हूँ, प्लीज। ठीक है भाई, बाद में बात होगी। अल्लाह हाफिज। ये सच है फाइज के किसी की महज रकम लौटाकर उसके वक्त पर काम आ जाने का एहसान नहीं उतारा जा सकता। लेकिन मेरी दुआ है
काश किस्मत मुझे वो मौका फरहम कर दे जब मैं आपकी आंखों में आंखें डाल कर कह सकूं, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। Thank you.